नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइव भारत पर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा कालचक्र प्रोग्राम आए हफ्ते आपको दिखाया जाता है और उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो आज हम आपको खास बात बताने जा रहे हैं, पंडित जी से पूछने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। 27 जून को मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका हमारे देश और हमारे देश की राजनीति पर, सत्ताधारी राज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल लाइव भारत पर। सर, 27 जून को मंगल का मेष में प्रवेश होने जा रहा है, इसका देश पर, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, 27 जून को मंगल भारत की कुंडली में मेष राशि में प्रवेश करने जा रहा है। उसकी युति राहु के साथ होगी। राहु और मंगल अंगारे चौक बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में हिंसक घटनाएँ बढ़ेंगी, हवाई जहाज रेलों को आग लगा दी जाएगी, भूकंप के झटके महसूस होंगे। भारत के पड़ोसी राज्यों में, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी बड़े झटके देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं कहीं बारिश कम होगी और कहीं पर सूखे पड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उनको बीमारी होने का योग बनेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी बीमारी होने का योग है, वो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। और अंत में मैं एक बात और कहूँगा, हमारे जो बीजेपी पार्टी है वो नई नई नीतियाँ और लागू करेंगी जिससे हमारी जो जनता है वो रिष्ट रहेगी। नीतियाँ तो सर काफ़ी ऑलरेडी इतनी लागू हो चुकी हैं जिसका तो शायद आम जनता ने कभी सोचा भी ना हो, जिसका प्रभाव उन पर पड़ता जा रहा है और देश का जो संविधान है जो लागू होता था अब कहाँ से कहाँ आ गया है। सर, स्टेट में कौन सी ऐसी जगह है जिस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल। दर्शकों, वेस्ट बंगाल, गुजरात में दंगे फसाद देखने को मिलेंगे, यहाँ पर स्थिति भयानक होने वाली है और दिल्ली में भी कुछ इसका आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। मीन्स कि पंजाब सेफ है, हम ये कहना चाहते हैं एक पहलू को लेकर कि पंजाब हमारा सेफ है। हाँ जी, पंजाब सेफ तो नहीं कह सकते लेकिन पंजाब की स्थिति फिर भी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन मेन प्रभाव इसका वेस्ट बंगाल, गुजरात और दिल्ली में देखने को मिलेगा। कोई प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वेस्ट बंगाल वालों थोड़ा संभल कर हर फैसला लें बट सोच समझ कर। तो बने रहें इसी के साथ हमारे कालचक्र प्रोग्राम में। अगले हफ्ते आपको फिर से आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, हमारे पंडित जी के साथ, गुलशन कुमार जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।